पब्लिक टीवी आपकी आवाज। व्यापारियों के व्यापार में विस्तार करने के उद्देश्य से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आउटरीच कैंपेन मुद्रा योजना ODOP SV15 के अंतर्गत होटल पैराडाइज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों को ऋण देने की प्रक्रिया का आरंभ की गई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रमुख KS यादव आगरा के द्वारा की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सहायक महाप्रबंधक गोविंद मिश्रा ने बैंक के विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। बैंक की 21 शाखाओं द्वारा 122 लाभार्थियों को 6,22,00,000 रुपए का लोन देने की बात कही गई। समारोह को सफल बनाने में रोहित श्रीवास्तव, धनंजय सिंह, सतीश गुप्ता, सुजीत सिंह, नोडल अधिकारी योगेश शर्मा, संजीव मित्तल, शाखा प्रबंधक दिल्ली रोड सचिन अग्रवाल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। 100वां स्थापना वर्ष मना रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आउटरीच कैंपेन MSME आउटरीच कैंपेन शुरू हुआ है, उसके विषय उसके संदर्भ में हम लगभग 200 लाभार्थियों को जो है चेक और जो है वितरण कर रहे हैं जो MSME के अंडर आते हैं। ये सबसे बड़ा जो है था वो 1,75,00,000 का, और जो सबसे छोटा है वो 2,50,000 का। ये लोग वो हैं जो अपना कार्य खुद करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खुद खड़ा करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं आगे, अपना जैसे खुद जो है एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार थे वो पहले खुद जो है अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढते थे, अब वो खुद एम्प्लॉयर हो गए हैं और अपने साथ साथ अपना काम तो करते हैं और जो है अपने साथ साथ 2-3 आदमियों को और भी रोजगार दे रहे हैं। आज जो है लगभग हम 200 से 250 के बीच में हमारे जो है लाभार्थी हैं। इसके अलावा जैसे जनपद में जो है मुरादाबाद जनपद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6,300 कुछ जो है लाभार्थियों को ऑलरेडी स्कीम के तहत लाभार्थ कर चुका है।